खरगोन जिले की मंदिरों की नगरी ऊन में शिवरात्रि पर्व पर 13वीं शताब्दी के प्राचीन ओमकारेश्वर मंदिर का ग्रामीणों द्वारा जीर्णोद्धार करते हुए देवी देवताओं की पुनः प्राण प्रतिष्ठा की गई। खरगोन जिले के ग्राम ऊन को भगवान शिव के मंदिरों की नगरी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के कई प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं। इन्हीं मंदिरों में यहाँ का ओमकारेश्वर मंदिर भी गिना जाता है। हम आपको बता दें कि यहाँ एक मंदिर 13वीं शताब्दी से निर्मित बताया जाता है तथा वर्षों से पुरातत्व विभाग और शासन की अनदेखी के चलते यह मंदिर पूरी तरह जीर्ण शीर्ण हो चुका था। इसके बाद यहाँ के ग्रामीणों ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार का जिम्मा उठाया और मंदिर में डोम लगाने के साथ कई तरह के नवीन काम करवाए। शनिवार शिवरात्रि के अवसर पर इस प्राचीन मंदिर में पहली बार देवी देवताओं की प्रतिमाओं की पुनः प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर आयोजित हवन में महिलाओं सहित श्रद्धालुओं ने भी आहुतियां डाली है, भगवान शिव की भजन की भक्ति कर सुख समृद्धि का आशीष मांगा। ऊन से दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। ये ओंकारेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, पहले जीर्ण पड़ा हुआ था, क्या पूरा क्या मामला है, कितना खर्चा आया, किन लोगों ने ये इस तरह का कदम उठाया? इस मंदिर में आसपास के ग्रामीण जनों ने सहयोग राशि एकत्रित करी थी। एकत्रित सहयोग राशि करने के बाद में सर्वप्रथम तो ये मंदिर के पीछे जो मंदिर टूटा हुआ दिख रहा है, ये मंदिर जो टूटा हुआ दिख रहा है, इस मंदिर के अंदर पहले लोहे का चबूतरा बनवाया, लोहे के चबूतरे पर पूरा मंदिर टिका हुआ है। इसके पश्चात जो मंदिर के साइड में जो इर्द गिर्द पत्थर पड़े थे, उस पत्थरों को एकत्रित कर एक सीमेंट की दीवार बनवाई। तो सीमेंट के दीवार में समथिंग कम से कम 1 लाख के ऊपर खर्चा आया था। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ऊन में और भी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, तो उनकी उनका जीर्णोद्धार का जिम्मा तो शासन ने लिया हुआ, फिर इस मंदिर पर क्यों नहीं ध्यान दिया रहा है? इस मंदिर का जीर्णोद्धार हमने इसलिए करा है कि जो पुरातत्व विभाग के जो पर्यटन विभाग के है अधिकारी कर्मचारी, उनसे भी हमने राज्य सरकार का जो एक मंदिर है अपने यहाँ, उनसे भी हमने चर्चा करी, वो बोल रहे थे कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता ये। तो ये भी 13वीं शताब्दी का ही निर्माणित मंदिर है ना? ये 13वीं शताब्दी का निर्माण मंदिर है। ये क्या महत्व है इस मंदिर का? इस मंदिर का महत्व है कि ओंकारेश्वर के नाम से ये जाना जाता है। ऐसा भी बताया जाता है कि यहाँ एक लोटा जल चढ़ाने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बिल्कुल ये सत्य बात है। प्रतिदिन यहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं, प्रतिदिन दर्शनार्थी आते हैं, और अभी जिस दिन से इसका निर्माण हुआ है और जिस दिन से इसकी भव्यता बढ़ी है, उस दिन से 100 की गिनती में नहीं, हजारों की संख्या में यहाँ दर्शनार्थी आने लग गए हैं। अच्छा, शिवरात्रि पर भी यहाँ आयोजन हो रहा है, किस तरह का आयोजन है? शिवरात्रि के दिन एक आयोजन विशेष यह रखा है कि जो यहाँ पर पहले शंकर जी के सामने जो नंदी भगवान थे वो खंडित था, अभी सभी युवा साथियों ने मिलकर, ग्रामीण जनों ने मिलकर एक नंदी भगवान की स्थापना करवाई। क्या नाम लिखते हो? सुनील पाटीदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।